दोस्तों, आपका स्वागत है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि आत्मा अमर है, जिसे कोई मार या काट नहीं सकता, पर शरीर नश्वर है। और जब व्यक्ति की आयु पूर्ण हो जाती है तो उसे इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करना पड़ता है, यही मृत्यु है। तो ऐसे में मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है, आत्मा कितने दिन धरती पर रहती है और कहाँ चली जाती है, व्यक्ति के अंदर इस बारे में जानने की जिज्ञासा होती है। मृत्यु के बारे में गरुण पुराण के अंदर विधिवत वर्णन किया गया है। वेद और पुराणों के अनुसार आत्मा की गति और वह किस लोक में पहुंचेगी, इसका वर्णन अलग अलग मिलता है। पुराणों के अनुसार जब भी कोई मनुष्य मरता है या आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है तो इस दौरान उसे तीन प्रकार के मार्ग मिलते हैं। उस आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाएगा ये केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। ये तीन मार्ग हैं, अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। अर्ची मार्ग जो ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है, वही धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है, और उत्पत्ति विनाश मार्ग नर्क की यात्रा के लिए है। हालांकि सभी मार्ग से गई आत्माओं को कुछ समय अलग अलग लोक में रहने के बाद पुनः मृत्युलोक में आना पड़ता है। अधिकतर आत्माओं को यही जन्म लेना और यही मरकर पुनः जन्म लेना होता है। वैदिक ग्रंथ के अनुसार आत्मा पांच तरह के कोश में रहती है। इन्हीं कोशों में रहकर आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो मुख्य तौर पर उसकी तीन तरह की गतियां होती हैं। पहली है ऊर्ध्व गति। इस गति में व्यक्ति ऊपर के लोक की यात्रा करता है। ऐसा वही व्यक्ति कर सकता है जिसने निरंतर भगवान की भक्ति की है। ऐसे व्यक्ति पितर या देव योनि के सुख भोगकर पुनः धरती पर जन्म लेते हैं। दूसरी गति है स्थिर गति। इस गति का अर्थ है व्यक्ति मरने के बाद न ऊपर के लोक गया और न नीचे के लोक गया, अर्थात उसे यही तुरंत ही जन्म लेना होगा। ये जन्म उसका मनुष्य योनि का ही होगा। अब जानते हैं तीसरी गति के बारे में, जो है अधो गति। जिस व्यक्ति ने किसी भी प्रकार का पाप करके अपनी चेतना या होश के स्तर को नीचे गिरा लिया है वह नीचे के लोकों की यात्रा करता है। रेंगने वाले कीड़े मकोड़े या गहरे जल में रहने वाले जीव जंतु अधोगति का ही परिणाम है। माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो सबसे पहले वह गहरी नींद के हालात में ऊपर उठने लगता है। जब आंखें खुलती हैं तो वह स्वयं की स्थिति को समझ नहीं पाता है। कुछ जो होशवान हैं वे समझ जाते हैं। मरने के 12 दिन के बाद यमलोक के लिए उसकी यात्रा शुरू होती है। वह हवा में स्वयं ही उठता जाता है, जहां रुकावट होती है वहीं उसे यमदूत नजर आते हैं जो उसे ऊपर की ओर गमन कराते हैं। शरीर त्याग कर आत्मा 17 दिन तक यात्रा करने के पश्चात 18वें दिन यमपुरी पहुंचती है। गरुड़ पुराण में यमपुरी के इस रास्ते में वैतरणी नदी का उल्लेख मिलता है। वैतरणी नदी विष्ठा और रक्त से भरी हुई होती है। जिस मनुष्य ने गाय को दान किया है वह इस वैतरणी नदी को आसानी से पार कर यमलोक पहुंच जाता है। अन्यथा इस नदी में वे डूबते रहते हैं और यमदूत उन्हें निकालकर धक्का देते रहते हैं। यमपुरी पहुंचने के बाद आत्मा पुष्पोदका नामक एक और नदी के पास पहुंच जाती है, जिसका जल स्वच्छ होता है और जिसमें कमल के फूल खिले रहते हैं। इसी नदी के किनारे छायादार बड़ का एक वृक्ष होता है, जहां आत्मा थोड़ी देर विश्राम करती है। यहीं पर उसे उसके पुत्रों या परिजनों द्वारा किए गए पिंडदान और तर्पण का भोजन मिलता है, जिससे उसमें पुनः शक्ति का संचार हो जाता है। यजुर्वेद में कहा गया है कि शरीर छोड़ने के पश्चात जिन्होंने तप ध्यान किया है वे ब्रह्मलोक चले जाते हैं। कुछ सत्कर्म करने वाले भक्त जन स्वर्ग चले जाते हैं। राक्षसी कर्म करने वाले कुछ प्रेत्योनि में अनंत काल तक भटकते रहते हैं और कुछ पुनः धरती पर जन्म ले लेते हैं। जन्म लेने वालों में भी जरूरी नहीं कि वे मनुष्य योनि में ही जन्म लें।
इससे पूर्व ये सभी पितृलोक में रहते हैं, वहीं उनका न्याय होता है। इसी तरह मनुष्य के जीने मरने का चक्र चलता रहता है। जब तक वह स्वयं को भगवान की तरफ पूरी तरह समर्पित ना कर दे, तब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय पितृदेव और जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद।